फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो पान की दुकान। एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा भीख मांगो योजना। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट, जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है, जेल का बजट बढ़ा दो जेलों को। ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए। और फूड सब्सिडी आपने घटाने का काम किया, ये है आपके विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई। हर वर्ग को आपने चोट पहुंचाने का काम किया मान्यवर। ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए है आप? आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, ये इस देश की सच्चाई है। आपने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया, आपने MSP दोगुना नहीं की, आपने किसानों की फूड सब्सिडी काटने का काम किया, फर्टिलाइजर सब्सिडी काटने का काम किया। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से, इस सरकार से जानना चाहता हूं, अगली योजना क्या आएगी आपकी? आप कह रहे हो इंटर्नशिप योजना, ट्रेनिंग योजना, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कंपनियों में आप देंगे, मुझे भारत की 100 कंपनियां आप बता दीजिए जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं, एक कंपनी बता दीजिए जिसमें आप 4,000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। ये भी आपका आंकड़ा सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना, भीख मांगो योजना लेने का काम, लाने का काम ये लोग करेंगे। मान्यवर इस देश में आपने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा आप पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को, जिसका 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया, जो हजारों करोड़ लूटकर हिंदुस्तान से चले गए। मान्यवर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, इस देश की अर्थव्यवस्था में रेड़ी पटरी वालों का कोई योगदान नहीं, जो 10 करोड़ रेड़ी पटरी वाले पूरे देश में हैं, उनका कोई योगदान नहीं है क्या मान्यवर? वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं, आपकी सरकार उनको भी फूटी आंख से देखना नहीं चाहती। आपने रेड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, हिंदुओं की मुसलमान दलितों के पीछे आदिवासियों क्या हो ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार के, कहना चाहता हूं मान्यवर अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट, नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है, लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मान्यवर एक सेकंड, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, कोई लगाएगा
कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहाँ खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूँ आपकी मानसिकता, आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं, ये आपकी सच्चाई है। इसलिए नेम प्लेट मत लगवाइए, नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए। और मान्यवर, मैं आपसे आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पढ़ रहा था, इनका बजट पढ़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट, जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है, जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, मिस्टर संजय जी जेल में आना है, मिस्टर संजय जी कम जेलों को तो ठीक कर दो, मिस्टर संजय जी नंबर तुम्हारा, मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ, मानवर मैं जेल के बजट पे, वन सेकंड 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है, वन सेकंड सदन के नेता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर ठीक है ना, धन्यवाद। एक पृष्ठभूमि भी है मान्यवर इसका ध्यान रखा जाएगा। इन्होंने न्यायपालिकाओं के लिए जो बजट रखा वो नाकाफी है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब करीब 76% अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब आपका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, आपका मकसद है पकड़ पकड़ के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनकी शुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं मानवर, अब इनको बार बार मौका मत दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आई एम नॉट इल्डिंग सर आपसे दो बार काम हैट्रिक बना लिया इन्होंने सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर इन्होंने पकड़ के जेल में डाल के रखा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को जेल में आपने रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं, बंगाल के 3 मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है, अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। मैं एक दो मिनट और एक एक करके टारगेट करके विपक्षी राज्यों के साथ आपने भेदभाव करने का काम किया। कोई मुझे कह रहा था सारे बजट कम किए, शिक्षा के बजट को भी आपने कम कर दिया। मैंने इन लोगों से कहा शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं मान्यवर। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग। मनुस्मृति पढ़ाएंगे कि दलितों के, पिछड़ों के, जिनको आप शूद्र कहते हैं अगर वो श्लोक सुन लेंगे तो उनके कान में पारा आप कैसे डालेंगे, ये पढ़ाई आप कराने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये पढ़ाई आप कराने जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये बजट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के व्यापारियों के खिलाफ है, ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया गया है।